आज 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस। ये वो दिन है जब हर भारतीय के मन में देशभक्ति की लहर और मातृभूमि के प्रति अपार स्नेह व सम्मान जाग उठता है। मैं आप सभी को हमारे 71वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी रिपब्लिक डे। रिपब्लिक, क्या है रिपब्लिक, क्या है गणतंत्र का अर्थ? दोस्तों, रिपब्लिक शब्द लैटिन शब्द रेस पब्लिका से बना है, जिसका मतलब है लोगों से संबंधित। यानी रिपब्लिक कुछ ऐसा है जो लोगों से जुड़ा है। और अगर हम इसके हिंदी रूप को भी समझें तो गण का अर्थ है लोग और तंत्र का मतलब है सिस्टम, यानी लोगों का सिस्टम। रिपब्लिक या गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश लोगों का होता है, सरकार लोगों की होती है, और इस सिस्टम को बहाल करने का सबसे बड़ा माध्यम है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, जिसे अब्राहम लिंकन ने बड़े सरल शब्दों में समझाया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। और हमें इस बात का गर्व है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पर रिपब्लिक की जरूरत पड़ी क्यों? दोस्तों, आपने सुपर 30 का यह डायलॉग जरूर सुना होगा, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले राजा का बेटा ही राजा बनता था, चाहे वो काबिल हो या नहीं। और वास्तव में आज भी कई अरब और अफ्रीकन देशों में मोनार्की यानी राजतंत्र है। लेकिन 500 BC के आसपास रोमन्स ने उन पर सैकड़ों सालों से राज कर रहे इत्रस्की राजाओं से मुक्ति पाने के बाद एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकती थी जो उनकी ओर से शासन करते। यानी अब कोई अकेला व्यक्ति, जैसे कि कोई राजा नहीं था जिसके पास अनंत शक्तियां हों। और आगे चलकर दुनिया भर के कई देशों में यह सिस्टम अपनाया गया, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। लेकिन क्या कह देने भर से कोई देश गणतंत्र बन सकता है? नहीं, उसके लिए जरूरत होती है एक संविधान की, एक कॉन्स्टिट्यूशन की, जो बनाया तो चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा हो पर उनसे भी बड़ा हो, जो न्याय का आधार हो, जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करे। और इसीलिए आजादी मिलने से पहले ही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इसके 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान पारित किया गया। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। पर अभी संविधान पारित हुआ था, लागू नहीं। और लागू करने के लिए चुनी गई एक ऐतिहासिक तारीख 26 जनवरी 1950, क्योंकि ठीक 20 साल पहले इसी दिन 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था और इस दिन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। दोस्तों, यहां मैं दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और उनकी पूरी टीम को हृदय से नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। साथियों, 26 जनवरी देश का उत्सव है, गणतंत्र का उत्सव है, यह गांधी जयंती और स्वतंत्रता दिवस के अलावा मनाया जाने वाला एकमात्र राष्ट्रीय पर्व है। इसे पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 26 जनवरी अवसर है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का, मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह का तिलक करने का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी और लाल बाल पाल को नमन करने का। यह अवसर है देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर करने वाले जाबाज सिपाहियों का वंदन करने का। 26 जनवरी अवसर है फक्र करने का कि तमाम विविधताओं के बावजूद हम दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र व लोकतंत्र हैं। यह अवसर है सीना तान कर खड़े होने का और गर्व से जनगण मन गाने का। दोस्तों, गणतंत्र दिवस के दिन देश भर के विद्यालयों, सरकारी कार्यालयों व सभी राज्यों की राजधानियों में झंडारोहण व राष्ट्रगान का कार्यक्रम बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपने देश प्रेम को प्रदर्शित करते हैं और स्वादिष्ट मिठाइयों से एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं। इस दिन हर छोटा बड़ा आदमी दुकानों में मिलने वाले छोटे छोटे राष्ट्र ध्वजों को अपने घर व वाहनों पर सुशोभित कर अपने ही ढंग से इस दिन को मनाता है। और इन सब आयोजनों में प्रमुख है दिल्ली के राजपथ पर 26 जनवरी को मनाया जाने वाला गणतंत्र दिवस का भव्य समारोह, जिसकी कोई तुलना ही नहीं। समारोह की शुरुआत इंडिया गेट से होती है, जहां भारत के प्रधानमंत्री देश के लिए मर मिटने वाले शहीद सैनिकों की स्मृति में बने अमर जवान ज्योति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं।
इसके बाद भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और 21 तोपों की सलामी के बीच राष्ट्रगान गाया जाता है और इसके बाद शुरू होती है वीर भारतीय सेना की परेड, जिसे देखने के लिए हजारों लोग देश विदेश से इकट्ठा होते हैं और करोड़ों लोग अपने घरों में टीवी के सामने बैठकर इसका आनंद उठाते हैं। हर साल इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति के साथ एक प्रभावशाली राष्ट्र अध्यक्ष या विशिष्ट व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। इस वर्ष 2020 में यह सम्मान ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को दिया गया है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बल के मुख्य कमांडर भी हैं और वही इस परेड की सलामी लेते हैं। इस परेड के माध्यम से भारत अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करता है और अत्याधुनिक हथियारों, मिसाइलों व टैंकों को राजपथ पर बड़े गर्व के साथ पूरी दुनिया को दिखाता है। परेड के बाद राष्ट्रपति द्वारा वीर सैनिकों व साहसी नागरिकों को उनकी बहादुरी के लिए मेडल देकर सम्मानित किया जाता है। इसी दौरान हेलीकॉप्टर से गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश सबके चेहरे पर मुस्कान बिखेर देती है। सेना की परेड के बाद बारी आती है विभिन्न राज्यों के झांकियों की। इस रंगारंग सांस्कृतिक परेड की छटा देखने लायक होती है। इन झांकियों के माध्यम से आप थोड़े ही समय में पूरे भारत का दर्शन कर सकते हैं और हर राज्य की विशेषता और उसकी सांस्कृतिक विरासत को समझ सकते हैं। परेड का एक मुख्य आकर्षण राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले निडर साहसी बच्चे भी होते हैं, जो हाथियों पर सवार होकर परेड में हिस्सा लेते हैं। इनके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से आए स्कूली बच्चे भी अपने नृत्य और कला से लोगों का मन मोह लेते हैं। परेड के आखिर में सबको रोमांचित करते हुए वायुसेना द्वारा फ्लाइट पास्ट किया जाता है, जिसमें अत्याधुनिक लड़ाकू विमान महामहिम को सलामी देते हुए मंच के ऊपर से गुजरते हैं। सचमुच 26 जनवरी की परेड का हिस्सा होना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है, जो हमें देशभक्ति से ओतप्रोत कर देता है। मित्रों, राजधानी नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस का उत्सव यहीं समाप्त नहीं होता। 26 जनवरी के भव्य कार्यक्रम के बाद 27 जनवरी को इंडिया गेट पर ही प्रधानमंत्री की रैली होती है, जिसमें एनसीसी कैडेट्स अपने कौशल व हैरतअंगेज करतबों से सभी का दिल जीत लेते हैं। इसके बाद आखिर में 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन किया जाता है, जिसमें तीनों सेनाओं के बैंड देशभक्ति गानों की धुन बजाते हैं। इस दिन शाम 6 बजे बर्गलर्स रिट्रीट धुन बजाई जाती है और राष्ट्रीय ध्वज को उतार लिया जाता है और अंत में राष्ट्रगान गाकर गणतंत्र दिवस समारोह का